क्या ख्याल है? गुड इवनिंग सर। सबके पास से ये आवाज नहीं आ रही, चल करा लेना, करा लिया बेटा। इमरजेंसी माइक यूज किया था मुझे ने, ठीक है मैं दूसरा लेके आया। चलो बात स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर बेटा अपने तो बात की थी, डिस्कस कर रहे थे अपन, कई सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस भी किए थे बेटा। जो हमने डिस्कस किया था, जैसे मैंने कहा था बेटा, देखो अभी भी नहीं है क्लियर। सही है बेटा, माइंड तो वही है, कमरा सर बना कल खराब हो गया, तुम पहले भी नीचे आ गए, दूसरा लगा लिया ना, अभी भी नहीं आ रही है। अपने दोस्त का थोड़ा कंप्यूटर सेटिंग में होंगे, शाम को क्लास सेफ्टी ऑफर चेक करेंगे बेटा, माइक तो वही है। धन्यवाद। चलो बेटा चलो पास आ रही है क्या? नहीं आ रही, नहीं आ रही, फटाफट बोलो स्टार्ट करें। चलो ठीक है बेटा, आपने लास्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन किए बेटा, देखो उन क्वेश्चन में भाग लेको, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट जरूर दे रहा हूँ बेटा, आपके दिमाग में कैसे ट्राई करना चाहिए। ओके, देखो जैसे लास्ट लेक्चर में मास्टर के तीन चार क्वेश्चन करवाए, उसमें क्या बोला था, इसी में मैंने चार्ज पूछ लिया, इसी में आपको नंबर ऑफ एटम पूछ लिया, इसी में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर पूछ लिया, क्लियर है? ठीक है, उसमें अगर बेटा सॉल्व नहीं करोगे तो गलती के चांसेस है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना है क्या जिसका नंबर भी आपको पूछे वो रेस्पेक्ट को डिसाइड कर लेना वन के रेस्पेक्ट में, क्लियर है? अगर मॉलिक्यूल देर का तो वन मॉलिक्यूल में इसका नंबर कितना है, क्लियर है? आयन देर का तो वन आयन के लिए इसका नंबर कितना है, क्लियर है? तो आपको पूछा कि इसका नंबर क्या होगा, तो वन के रेस्पेक्ट में डिसाइड कर लेना, क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, तो आपको अमाउंट दी जाएगी, चाहे मोल के टर्म में हो, चाहे मास के टर्म में हो, किसी के टर्म में हो, जो आपको अमाउंट दी जाएगी उसमें आपको क्या करना होगा, उस अमाउंट से देख लेना है एक्चुअल मॉलिक्यूल के आयन का नंबर कितना है, क्लियर है? तो वन मॉलिक्यूल के आयन में इसका नंबर कितना है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल के आयन नंबर कितना हो जाएगा, समझ में आ गया? बस थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना, मुझे गलती से बचने के लिए क्या करना, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो का एलिमेंट एक्स एंड वाई, एलिमेंट एक्स एंड वाई आर कंबाइंड एलिमेंट एक्स एंड वाई आर कंबाइंड to compound x by 2 and x3 by 2 form to compound x by 2 and x3 by 2 by 2 and x3 by 2 if weight of the if a weight of 0.1 mol x by 2 if a weight of 0.1 mol x by 2 is in 10 gram if a weight of 0.1 mol x by 2 is in 10 gram and weight of 0.05 mol board weight at the moment will be at टाइम तो लगेगा, जीरो नहीं बोल रहा हूँ, तो कंफर्म मिले ना, वेट ऑफ 0.05 मोल एक्स थ्री वाई टू इसे 9 ग्राम, देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ calculate the atomic weight of element x and y
And calculate the atomic weight of element X and Y. Again, उसे जब वहाँ पे क्वेश्चन दिए लेंगे जितनी कितनी चीज़ें इसे क्या होगा कैसे उठते जाना तो देखो बेटा एक चीज़ का क्वेश्चन जरूर दे दिया लेकिन हमेशा कहता हूँ फिजिकली केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन करना होगा क्वेश्चन को फील करोगे क्या बोल रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते रहो आंसर आएगा ऐसे इसे बोला क्या देखो एलिमेंट पेन को क्वेश्चन बोर्ड पे देखो बेटा एलिमेंट एक्स और वाई आपस में कंबाइंड होकर क्या कर रहे हैं दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं सही तरीके से पॉसिबल है बेटा दो एलिमेंट हमेशा एक ही टाइप का कंपाउंड बनाए जरूरी है क्या अरे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और CO2 भी बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं यस और नो वैसे यहाँ पर क्या कोई दो हमें हाइपोथेटिकल एलिमेंट दे रखे हैं एक्स और वाई और दो मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा दो टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं पहला का कंपाउंड कौन सा है एक्स वाई टू दूसरा कौन सा है एक्स थ्री वाई टू क्लियर है ठीक है अब आगे चलो हमें क्या बोल रहा है एक्स वाई टू का मोल हमें बोला है बेटा 0.1 पहला जो कंपाउंड है उसका वेट बोला है 10 ग्राम क्लियर है ठीक है और दूसरा हमें क्या बोला है एक्स थ्री वाई टू वाला अपना जो कंपाउंड उसके मोल कितने हैं 0.05 और इसका वेट कितना बोला है 9 ग्राम तो क्या बोला है एक्स और वाई का एटमिक वेट क्या होगा तो बच्चों एक बात तो श्योर है एक्स और वाई यहाँ पर क्या है एटम्स है उनका वेट क्या होगा अगर एक बात बताओ मुझे दोनों कंपाउंड के लिए मोल दे दिए कंपाउंड का वेट दे दिया इसका मतलब मोल और वेट कुछ दिमाग में आ रहा है क्या मोल और वेट यानी मोल का वेट के टर्म में फार्मूला कौन सा होता है बेटा मोल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम कर लो यस और नो क्लियर बेटा पहले कंपाउंड का मुझे मोल दे रखा है उसका वेट दे रखा है इससे पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आ सकता नहीं आ सकता आ सकता रहेगा दूसरे कंपाउंड के मुझे मोल और वेट दे रखे इससे दूसरे कंपाउंड के मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा क्लियर है जब मेरे पास दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट आ जाएंगे तो हम इक्वेशन बना के फिर दोनों कंपाउंड हमें पता है सेम एलिमेंट से तो बने बेटा बस नंबर ऑफ एलिमेंट तो डिफरेंट है एक में मान लो किसी में नंबर वन है किसी में टू है किसी में थ्री है लेकिन दोनों ही कंपाउंड एक्सपेक्ट से तो बने हैं क्लियर है तो मुझे जो मोल और वेट दे रखे हैं दोनों कंपाउंड के लिए उससे मेरे पास दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा क्लियर है और दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आते ही हम क्या करेंगे बच्चों इक्वेशन बना के उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोनों एटम का वेट एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने कहा था एटॉमिक वेट एटम का वेट मॉलिक्यूलर वेट पूरे मॉलिक्यूल का वेट याद है ना एक एक चीज अपने डिस्कस की क्लियर बेटा आपको बात की अपने चलो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बेटा मुझे पता है एम डब्ल्यू क्या हो जाएगा एम डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन मोल यस और नो हो जाएगा बेटा ठीक है देखो बच्चों वन बाय वन बात करते हैं फोर एक्स बाई टू इस कंपाउंड के लिए अगर मैं कहूँ बेटा तो एम डब्ल्यू देखो क्या हो जाएगा वेट इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एन हो जाएगा क्लियर बेटा पहले का देखो वेट मुझे कितना देगा 10 ग्राम और मोल मुझे कितने दे रखे 0.5 तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 100 ग्राम यस और नो क्लियर बेटा वैसे मैं क्या करूंगा दूसरे कंपाउंड के लिए कर सकता हूं मोल x3 y2 के लिए मुझे m2 कैलकुलेट करना है तो m2 का वही मुझे बेटा वेट अपॉन मोल क्लियर है वेट मुझे कितने दे रखे हैं 9 और मोल मुझे कितने दे रखे हैं 0.05 क्लियर है बच्चों ठीक है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ये डेसिमल टाइम में कितना आ जाएगा ये कितना हो गया 20 क्लियर बेटा ये कितना आ जाएगा 180 ग्राम यस और नो क्लियर है ठीक है बेटा देखो अब देखो तो दोनों का मेरे पास जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है बेटा देखो क्या करेंगे है देखो मॉलिक्यूलर वेट किसका मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास जो एक्स वाई टू का आया है वो एक्चुअल में क्या है बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मॉलिक्यूल का वेट पर मॉलिक्यूल किससे बनता है एटम से और सभी एटम के वेट का सम आएगा नहीं आएगा आएगा बच्चों तो देखो पहले कंपाउंड का जो वेट मेरे पास आया है वो मैं क्या करूंगा एक्स का वेट प्लस टू वाई का वेट यस और नो क्लियर है इसके बराबर तो होगा जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों वाटर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 18 ग्राम होते हैं अगर आप बोलते हैं 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम क्लियर है तो 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम आता है क्लियर बेटा वैसे ही क्या करेंगे जैसे एक्स वाई टू वाले में क्या करते हैं हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कितने है बेटा हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का वैसे ही 1x का प्लस 2 y का इनका सम कर देंगे यही तो क्या होगा पूरे एक्स वाई टू का मॉलिक्यूलर वेट क्लियर बेटा बिल्कुल सही है बच्चों देखो यहां से बात में एक्स वाई टू का कितना आ गया बेटा मुझे पता है पहले का मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास कितना आया 100 इसको इक्वेशन मान बोल दूं यस और नो यानी पहले का जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो किसके सम इक्वल होगा 1x का प्लस 2y का क्लियर है और ये टोटल किससे इक्वल आएगा
हंड्रेड के इक्वल क्लियर है। दूसरा कंपाउंड मुझे क्या देखा था बेटा, दूसरे कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट आया एक्स थ्री वाई टू, ये कैसे आएगा बेटा, एक्स थ्री की जगह में तो क्या करूंगा आपको डी एक्स प्लस टू वाई का सभी तो आएगा, तो आएगा तो क्लियर है। और मुझे पता बेटा ये फाइनली मेरे पास किसे इक्वल आया 180 के इक्वल यस और नो क्लियर है। और बेटा 10 तक ऐसी मैथमेटिक्स को काफी अप्लाई करते हैं, दो इक्वेशन हमने बना दी है उसमें क्या करेंगे, मैंने दो अननोन एक्सिस्ट है उसमें क्या करेंगे, कैसे भी करके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके एक को हटा देंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू वापस करके वापस पहले की वैल्यू आ जाएगी, यस और नो क्लियर है। तो देखो इनको मैं कैसे हटा सकता हूँ बेटा, टू टू इक्वल है या नहीं है इक्वल बेटा, तो माइनस करके हटा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन टू माइनस वन क्या करेंगे प्लस dx माइनस का x कितना हो गया बेटा 2x, इसको कितना हो गया 80 और x स्क्वायर कितना आ गया बेटा 80 बाय 2 में कितना आ गया 40 40 ग्राम आ गया, क्लियर है। बस इसी दो इक्वेशन इजी लगे बेटा, उसमें क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं बेटा, तो क्या कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इजी लगे उसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या देखो बच्चों, x की क्या लिखूंगा 40 प्लस 2y इसको कितना है बच्चों 100, यहाँ से क्या करूंगा 2y इक्वल टू 100 माइनस 40, तो 2y इक्वल कितना आ गया बेटा 60, तो y इक्वल कितना आ गया 3 बाय 2 तो कितना आ गया, ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। इसमें आगे एस फॉर नो
ये तो अपनी बात कर रहे हैं, बेसिकली मॉम कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। एक दिन में से बात उसका कल आपको उसमें मिला दूंगा, ठीक है। तो पहला असाइनमेंट है, पहले इसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मॉम इसमें रेडॉक्स कंप्लीट कर ले, तो एक्सरसाइज अपनी तरफ से रेडॉक्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद मॉम का पहला असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ओके। चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं, रेडी हो कंसंट्रेशन डांस। टारगेट बेसिस में हम कंसंट्रेशन टर्म्स ओनली एक ही बार पढ़ाते हैं, वो होता है सॉल्यूशन चैप्टर के साथ, ओके। पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल से आता है, बाकी जो बच्चे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत यूज होता है, उनको आइडिया होता है, इसमें से मोल में कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती बेटा, ओके। और ट्वेल्थ की तो फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर उसमें डिटेल से बताया जाता है, लेकिन इलेवंथ और ट्वेल्थ के बेसिस पे दोनों उसमें थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं, कई टीचर इलेवंथ में दे देते हैं, कई नहीं देते बेटा। इसका रीजन ये है कि इलेवंथ के कई चैप्टर से उसमें बार बार यूज होगा, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अच्छी बात यह क्लियर है। टोटल होते हैं बेटा ये 9 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेन, पीपीएम कंसंट्रेशन, मोलेरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, क्लियर है। ये 12th के सिलेबस में आपको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अपने 11th के सिलेबस में जो जो चीजें काम आएंगी बेटा, कम से कम हमें बेसिकली उनका आइडिया तो होना चाहिए कि आप पूछता है कैसे करना है, क्लियर है। फॉर्मेलिटी ये बाकी के पांच यूज नहीं होंगे, क्लियर है। तो इन चार के बारे में पढ़ना जरूरी है, ओके। तो देखो बेटा आपने क्या कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या भाई छोटा क्वेश्चन कर दो, ठीक है। चलो बेटा देखो वास्तविक कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में जो भी चीजें बेटा अपन पढ़ेंगे उसमें दो तीन बार बार यूज होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन टर्म में ध्यान रखना दो तीन चीजें बार बार काम आएंगी बेटा, इसको बोलेंगे सॉल्यूट, इसको बोलेंगे जो चीजें बेसिकली यूज होगी, ठीक है, वो पता क्लियर है। बस में क्या होता है कैसे, क्लियर है। यहाँ सॉल्वेंट शीट में आपको आइडिया होना चाहिए का मतलब क्या होता है, दो तीन वर्ड बात बात यूज होगी बेटा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर है। और सॉलिड सॉल्वेंट क्या होते हैं, वे दो कंपोनेंट तो मिलकर किसी होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, उनको कहते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर है। अब बच्चा कहेगा सर सॉल्यूट कौन सा होगा, तो सॉल्यूट ध्यान रखना बेटा क्या होगा, लेस अमाउंट, यानी ये कौन सा होता है, जनरली कम अमाउंट में होगा, एंड डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा, डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी जो जनरली लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूट, क्लियर है। और सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये तो लेस अमाउंट में होता है, ये क्या होता है, हायर अमाउंट में होता है, हायर अमाउंट एंड डिसॉल्व टू सॉल्यूट, मतलब समझ में आया बेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा सॉल्यूट कौन सा होता है बेटा, लेस अमाउंट में जो कंपोनेंट होता है और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है वो तो क्या होता है सॉल्यूट, क्लियर है। और जो जनरली हायर अमाउंट में होता है सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, लिक्विड का काम करता है, उसे क्या बोलेंगे सॉल्वेंट, क्लियर है बेटा। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बेटा मिक्सर ऑफ सुगर एंड वाटर, जैसे ये मैं मिक्सर आपको देगा तो ये बताओ बेटा शुगर वाटर को मिक्स करेगी या वाटर शुगर को मिक्स करेगा,
सोगर वाटर को मिक्स कर देगी बेटा, यस और नो? ठीक है, कौन मिक्स इसको मिक्स करेगा? ये वाटर क्या करेगा? सुगर को मिक्स करेगा। तो हमें पता है बच्चों, देखो सुगर और जनरली हमें पता ही है बेटा, अगर मान लो 1 ग्लास अगर वाटर है उसका अगर मान लो हमें मिक्सर बनाना है, क्या करेंगे नॉर्मली क्या होगा, इसको सुगर मिलाएंगे, कोई मेंटल सेट से होगा तो उसको मिला लेगा, ऐसे तरह के पूरा डब्बा खाली कर देगा। ठीक है, इस सुगर के अमाउंट कहने का मतलब क्या है, सुगर की अमाउंट क्या होगी वाटर के कंपेरिजन में जब कम नहीं होगी बेटा, यस और नो? ठीक है बेटा, तो सॉल्यूट हमें पता है कौन सा होता है, तो कंपेरिटिवली क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है और सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात करूं बेटा हमें सॉल्यूट की, तो सुगर एंड वाटर में सॉल्यूट कौन हो गया बेटा, तो डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व हमें पता है डिसॉल्व होगा, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट है। ठीक है, और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सॉल्वेंट कौन होगा बेटा, वाटर, क्योंकि वाटर जनरली हाई अमाउंट में भी होगा, सुगर क्या करेगा, समझ में आ गया? यस और नो? ये तो मैंने बात की बेटा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये बेटा बार-बार पढ़ लीजिए, होगा क्या, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपने नाम सुना होगा बेटा, क्या होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, नाम सुना है सर? कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन कम, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, डाइल्यूट के अंदर वाटर क्या होता है बच्चों, देखो बहुत चीज होती है, बिल्कुल बेटा देखो कैसे करना है, अगर समझना इस चीज को, अगर सॉल्यूट के अमाउंट क्या है ग्रेटर है, क्या कहा, सॉल्यूट के अमाउंट क्या है ग्रेटर है कंपैरेटिवली। ठीक है, सॉल्यूट के अमाउंट ग्रेटर है एंड सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अमाउंट क्या बेटा लेस है, इसको तो बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं बेटा इसे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन क्या बोला जाता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोला जाता है। दो सॉल्यूशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या होगा बेटा, या तो आप क्या करेंगे सॉल्यूट से कंपेयर कर लो या सॉल्वेंट से कंपेयर कर लो, इसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वो कैसा होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और दूसरी कंडीशन क्या होता है बेटा, अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, सॉल्यूट की अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो बेटा बहुत ज्यादा हो, पहले का साइन समझ लो ना, सॉल्यूट में लिख रहा हूँ बेटा अपर साइड ज्यादा ग्रेटर, क्लियर बेटा, लोअर साइड लेस डिफरेंट करना लोअर। क्लियर बेटा, अगर सॉल्यूट के अमाउंट कम हो सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा हो ऐसे सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? क्लियर बेटा, अपन बचपन से सुनते आ रहे कंसंट्रेट H2SO4 डाइल्यूट HCl, इनका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? जो सॉल्यूशन आपको कंसंट्रेट फॉर्म में दिया गया है इसका मतलब क्या, उसमें सॉल्यूट के अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्लियर है? डाइल्यूट फॉर्म में दिया गया मतलब सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है। समझ में आ गया? यस और नो? नो प्रॉब्लम।
देखो ये तो मैं बेसिकली बात करता हूं, बात पर काम आएगा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, क्लियर है? कंसंट्रेट क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, फेज में यूनिट होता है, क्लियर है? अब उसे ध्यान रखना, दो तीन चीजें आपको और याद रखनी, कंसंट्रेशन टर्म से लोग भी फॉर्मूले वगैरह लिखेंगे ताकि टाइम पास नहीं करना, क्या होगा उसमें क्या होगा, देखो मुझे ध्यान रखना कैसे करना है। बार बार देखो क्या होगा, जहाँ पर एन एन को क्या बेटा मोल, ये सुन रहा हूँ ये तो बताइए बेटा, जहाँ भी मैंने एन लिखा इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, मोल की बात कर रहा है, ये बताइए बच्चे को। अगर डब्ल्यू की बात करें बेटा, डब्ल्यू क्या होता है बेटा, वेट या फिर क्या लिखेंगे, मार्क्स या फिर अमाउंट, क्लियर बेटा? एक बच्चों बार बार लिखा जाएगा ओनली एन लिखा जाएगा, मतलब क्या है बेटा, मोलर मास एंड बॉडी मोलर मास, मोलर मास या फिर क्या बोलते हैं इसे, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास या फिर क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बेटा। तो वी फोर, वी फोर क्या है बेटा, वॉल्यूम पास में क्या है, हम क्लियर है? ये टर्म्स हमें बार बार यूज करनी बेटा, क्लियर है? अब अच्छा क्या है सर, इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान रखना बेटा, ठीक है? आपको क्या दिमाग में सेट रखनी है, जहां पर भी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वगैरह, आपको क्या करना है, वन फोर सॉल्यूट, वन फोर किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, वन फोर सॉल्यूट, टू फोर, टू फोर किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, वन फोर सॉल्यूट, टू फोर सॉल्वेंट, तो क्या लिखेंगे बेटा, नाइदर वन नॉट टू, कुछ भी नहीं है, मतलब किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है, मेरा कहने का मतलब समझ में आया बेटा। अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन टर्म बढ़ेंगे, उससे फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये किसकी वैल्यू है, क्लियर है? अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में किसी में सॉल्यूट काम आएगा, किसी में सॉल्वेंट आएगा, किसी में सॉल्यूशन काम आएगा, क्लियर है? ये हिट दिमाग में सेट रखना बेटा, कैसे, अगर मैंने स्मॉल एन लिख दिया है इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, मोल, एन वन मैंने लिख दिया इसका मतलब किससे मोल है, सॉल्यूट के मोल, काम खत्म। जिसके साथ भी वन आ जाए इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये जो मोल है, मास है, वॉल्यूम है, मोलर मास है, जो भी है बेटा किसका है, सॉल्यूट का है बेटा, क्लियर है? जिसके साथ भी मोल मास वॉल्यूम मोलर मास का टू लिखा जाए मतलब किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट के लिए है, क्लियर है? अगर न तो वन न टू हो कुछ भी नहीं है मतलब किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है बेटा, क्लियर है? ये दिमाग में सेट रखना ताकि अलग अलग फॉर्मूले हम लिखेंगे उसमें कंफ्यूजन ना हो कि सर ये किसके लिए, ये किसके लिए, क्लियर है? मैंने लिख दिया डब्ल्यू वन मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू वन मतलब क्या, बिल्कुल डब्ल्यू फोर वेट इसका सॉल्यूट का वेट हम बोल दिया, क्लियर बेटा? मैंने बोल दिया वी टू इसका मतलब क्या है, वी फोर वॉल्यूम, सी फोर वॉल्यूम, और वी टू बोल दिया मतलब किसका बेटा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, क्लियर है? मैंने बोल दिया ओनली कैपिटल है टर्म्स,
Counselor President Towns. अपने से टाइप हमें पढ़ने हैं नंबर वन इंपोर्ट है सभी और प्रश्न इसका सिंबल होता है बेटा एक्स सॉल्यूट और सॉलिड को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनता है फाइनल मिक्सर बनता है उसमें सॉल्यूट का पार्ट कितना है सॉलिड का पार्ट कितना है क्लियर है और फाइनल सॉल्यूशन लेते हैं उसको बोलते हैं वन मोल यानी फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट कितना लेते हैं वन मोल मिक्सर में वन मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों का जो पार्ट होगा वो तो हो गया सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्लियर है और सॉल्यूट के मोल का जो पार्ट होगा वो हो गया सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन क्लियर है इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन वन मोल मिक्सर क्लियर है मिक्सर के वन मोल में किसी कंपोनेंट के मोलों का नंबर यानी क्या काम मोल फ्रैक्शन मोल का पार्ट क्लियर बेटा यानी पूरे मिक्सर का अगर वन मोल है उसमें किसी कंपोनेंट के मोलों का पार्ट कितना है वही इसकी क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन है ठीक बच्चा कहेगा सर कैसे तो एग्जांपल से समझना इस बात को फॉर एग्जांपल आपको बोला गया बेटा x ग्लूकोज ग्लूकोज के मोल ये किसका नंबर है वन मोल मिक्सर में ग्लूकोज के मोलों का नंबर है बेटा क्लियर है और साथ में भी कुछ नहीं दे रखा होगा ग्लूकोज का मिक्सर कैसा है एक्वस सॉल्यूशन बेटा इसके बीच बार सॉल्वेंट तो होगा ही होगा अगर मिक्सर बोला है तो कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे नहीं होंगे साथ में चल के आपको दे रखा है साथ में ये है तो ठीक है अदरवाइज किसको मान लेना वाटर को मान लेना सॉल्वेंट क्लियर है बेटा इसका मतलब बाकी बच्चे के मोलों किसकी हो जाएगी वाटर की हो जाएगी बेटा एन एक्स को बेटा हो जाएगा किसी कंपोनेंट के उनके जो मोलों का नंबर होता है वही उसकी मोल फ्रैक्शन बोली जाती है क्लियर बेटा यस ऑर नो देखो द नंबर ऑफ मोल्स number of moles of one mole mixer per s fraction of that component यानी किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आप कुछ कंपोनेंट समझते हो ना मिक्सर का पार्ट है ये होते हैं जैसे अपन सब सिस्टम के कंपोनेंट से क्लियर है सबसे भी प्रमाण पूरा सिस्टम बना है वैसे ही मान लो जो इससे मिलकर सॉल्यूशन बना होगा मिक्सर बना होगा उसको क्या बोलेंगे कंपोनेंट सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो इसके कंपोनेंट तो होते हैं तो किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको दी गई है इसका मतलब क्या है जो भी उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है इसका मीनिंग क्या है कि वन मोल मिक्सर में वो उसके मोलों का नंबर है मोल फ्रैक्शन नाम से दर्ज हो रहा है मोलों का फ्रैक्शन यानी पार्ट है फ्रैक्शन बोलते हैं ना डेसिमल क्लियर है
जैसे लिखा एक्स इंटू दिस पॉइंट टू, इसका मतलब ये है छोटा देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जो समझना है इसको, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या करते हैं बेटा, टोटल मोल एंड टोटल मोल कंपोनेंट के कंपोनेंट दोनों का जो रेशियो कर देंगे बेटा, वही रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, क्लियर है। और ये बुक्स की लैंग्वेज में रखने की जरूरत भी है बेटा, इसी तरीके का अपना याद करना बेटा, कैसे मोल फ्रैक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करना बेटा, इसी तरीका क्या है बेटा, ये मोल यानी ये समझ लो क्या, ऐसा करो कुछ भी मोल अपॉन सबके मोल कुछ भी सब के ये क्या समझ लो क्या, ऐसा करो यस और नो, इसलिए मैं बुकिंग आएगी बेटा इसी तरीके में कई जगह से तक ही बोलोगे बुके मोल अपन सबके मोल का तब इससे क्या आ जाएगी, मॉल फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा, बात समझ में आई क्या, क्लियर है। देखो बेटा कैसे बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एग्जाम्पल से समझना, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए और बी से मिलाकर मान लो कोई सोल्यूशन बन रहा है बच्चों, ए और बी को मिलाकर क्या बनाया गया, कोई सोल्यूशन बनाया गया, क्लियर है। इसमें आपसे बोले कि ए और बी की मॉल फ्रैक्शन क्या होगी, तो अपन क्या कहेंगे, ए की मॉल फ्रैक्शन xa, मैंने क्या कहा x फॉर मोल फ्रैक्शन, किसकी मोल फ्रैक्शन बेटा, a की मोल फ्रैक्शन x के साथ, मैंने क्या लिखा a, मतलब क्या है a की मोल फ्रैक्शन, क्लियर है। मोल फ्रैक्शन का तरीका क्या है, उनके मोल अपॉन है सबके मोल का अंतर, इसका मतलब a की मोल फ्रैक्शन चाहिए तो a के मोल अपॉन क्या करना है सबके मोल यानी टोटल मोल, तो सब यहां पर कौन है बेटा, मिक्सर किससे मिलकर बना है, a से प्लस b से, यानी क्या लिखेंगे na प्लस a, रटने की जरूरत नहीं बेटा, कि हमने हमारे आगे के प्रश्न कहाँ आएंगे तो अपने को आगे रखते नहीं पड़ेंगे, ये कैसे बढ़ने आए ऐसे जाने बेटा, क्लियर है। इसकी तुम्हें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, उनके मोल अपॉन है सबके मोल, बस के मोल फ्रैक्शन छे उसके खुद के मोल लिख दो, अपॉन में टोटल मोल लिख दो, जो जो प्रेजेंट है मिक्सर में वो खुद के मोल अपॉन है सबके मोल, इसका एक ही करती है अपने पास कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आ रहा है, बच्चों कैसे होना आपको क्या देखिए है the number of moles of a component in one mole mixer में, clear है। इसका मतलब पूरा mixer का one mole है, मैं बोलूँ a और b का total sum आएगा one, a और b का total sum कितना आएगा one gram, clear है। इसमें a का part है 0.5 gram, b का कितना part हो गया, a और b का total sum है one gram, उसमें से a का part मैंने बोल दिया 0.5 gram, तो b का कितना part आएगा
अंतर अपने क्या किया टोटल बंधन का उनमें से एक का पार्ट हटाने को किसका बच गया ये है अपने क्या का वन मोल मिक्सर है पूरे मिक्सर मिक्सर का मतलब है ए बी सक्स पूरा मिक्सर हमें वन मोल लेना है उसमें से हमें बोला गया ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन 0.2 है इसका मतलब ग्लूकोज के मोलों का नंबर है 0.2 इसका मतलब ग्लूकोज के साथ में सॉल्वेंट भी होगा सॉल्वेंट का सॉल्वेंट तभी तो मिक्सर बनेगा तो ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन 0.2 है इसका मतलब वन मोल मिक्सर में ग्लूकोज के मोलों का नंबर 0.2 है इसका मतलब बाकी कुछ भी मोल किसके होंगे मिक्सर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी की मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना आएगा वन आना है क्योंकि मैंने क्या बोला मिक्सर के वन मोल इतना जान लो मिक्सर की वैल्यू वन फिक्स कर दी उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनकी वैल्यू चाहे 0.1, 0.2, 0.5 कुछ भी हो जाए सभी का संग कितना आना बेटा वन ही आना बेटा क्लियर है कैसे जैसे मैं कहूँ बेटा आप सभी के टोटल जो वेट का हमारा बेटा वो मान लो 500 किलोग्राम बेटा क्लियर है 500 किलोग्राम है अब किसी बच्चे का वेट चाहे 50 किलोग्राम हो किसी का चाहे 20 किलोग्राम हो जो भी हो बेटा ठीक है किसी का वेट कम हो किसी का वेट ज्यादा हो जो भी हो बेटा लेकिन आना तो मैंने टोटल बोल दिया टोटल 500 फिक्स कर दिया टोटल सम तो कितना आएगा
और मुझे मोड फ्रैक्शन का प्रोडक्शन कितना होगा बेटा 1। अगर मोड फ्रैक्शन मान लो मैं एक ही जीरो कर दूं, इसका मतलब बी की बनानी चाहिए, इसका मतलब मिक्सर में ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, अकेला बी ही प्रेजेंट है। और किसी एक कंपोनेंट को आप कभी मिक्सर बोल सकते हो क्या? आपने प्योर वाटर लिया बेटा, कभी उसको मिक्सर बोल रहे क्या? नहीं, वाटर में कुछ मिला देंगे, मिक्सर का मतलब ही होता है दो को मिक्स करना, क्लियर है? दो से ज्यादा भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन कम से कम दो कंपोनेंट तो होनी चाहिए मिक्स करने के लिए, क्लियर है? वैसे ही ए अगर जीरो है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो अकेले बी को कभी मिक्सर या सॉल्यूशन बोल सकते हो क्या? नहीं बच्चों। अगर मैं बात करूँ इसको मैं कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक कहा जाएगा जीरो, इसका मतलब सॉल्यूशन में बी के अमाउंट जीरो है, मतलब सॉल्यूशन प्रेजेंट ही नहीं है, बी प्रेजेंट ही नहीं है सॉल्यूशन में, तो अकेला ए कभी मिक्सर या सॉल्यूशन बना सकता है क्या? ताकि दोनों की कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर होगी, समझ में आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल बेटा, द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट The value of mole fraction of each component is greater than 0 and less than 1. चलिए, ये तो मैंने बात किया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे था, बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो छोटा कंसंट्रेशन टर्म लिखो ना, मोलैरिटी मोलैरिटी स्मॉल एन, सिंबल होता है स्मॉल एन, मोलैरिटी स्मॉल एन, number of moles of solute in 1 kilogram number of moles of solute in 1 kilogram solvent for its molality solution क्या लिखूंगा बेटा? एन वन, यस और नो? क्लियर है?
इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट किलोग्राम किसकी लीटर बेटा वेट की और वो वेट किसका है बच्चों सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के लिए डब्ल्यू होगा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू टी का मतलब क्या समझ में आ गया बोले बेटा प्रिसिजन होगा कहां पर सॉल्वेंट है क्लियर है बेटा तो क्या करेंगे बेटा डब्ल्यू टू किलोग्राम क्लियर है आगे देखो उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं बेटा मोल हमें पता क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास यस और नो भाई मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास तो बच्चों यहां पर देखो मोल किसके हैं सॉल्यूट के तो वेट और मोलर मास भी किसका लेंगे सॉल्यूट का लेंगे क्लियर है बेटा ठीक है और बाय द वे यहां पर अगर डब्ल्यू टू अगर किलोग्राम किसका ग्राम में ले आपको याद करने क्या कहा था सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में यही करते हैं लीटर पर एमएल में लिखना हो तो अपोजिट साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बी लीटर अपॉन 22.4 बी एमएल 22400 मैंने बताया था याद है ना अगर लीटर को किलोग्राम में लिखोगे या किलोग्राम को ग्राम लीटर को एमएल में लिखोगे या किलोग्राम को ग्राम में लिखोगे अपोजिट साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करना है बैलेंस करने के लिए बात समझ में आ गई बेटा तो क्या करेंगे बाइक में वेट आपको ग्राम में दिया जाए तो ऊपर की साइड क्या करेंगे मैंने अपोजिट साइड क्यों बोला था समझ में आ गया यस और नो क्लियर है बेटा ठीक है देखो फॉर एग्जाम्पल देखो समझना इस चीज को आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड देगा आपको कुछ समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है क्लियर है ऐसे बेटा आपको दिया जाए 2m अली का बोला गया 2m स्मॉल m बोला हमने किसकी बात कर रहा है मोलरिटी की क्लियर है और एक चीज दिमाग में सेट रखना कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू गिवन होती है वो हमेशा सॉल्यूट की होती है बेटा वैल्यू होती है सॉल्यूट की इसका मतलब सॉल्यूट से कौन सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो ध्यान रखना कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसकी होगी सॉल्यूट की वैल्यू 2 है मोलरिटी का कांसेप्ट याद करो मोलरिटी का कांसेप्ट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मुझे सिर्फ डाटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आप पता चल गया कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल होते हैं वही उसकी मोलरिटी होती है इसका मतलब ये 2 इसकी वैल्यू बेटा n में इसको कितना आ गया 2 यानी सॉल्यूट के मोल आ गए यस और नो अरे मोलरिटी में क्या होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स इसका मतलब ये वैल्यू सॉल्यूट के मोल की है बेटा क्लियर है और देखो सॉल्वेंट मुझे दे नहीं रखा था लेकिन कांसेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम यस और नो यस और नो क्लियर बेटा बताओ क्लियर है ठीक है और बच्चों इसकी यूनिट की अगर हम बात करें यूनिट और देखो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें बेटा ध्यान रखना जितने भी कंसंट्रेशन टर्म की यूनिट की बात करें ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट डिसाइड करनी है बेटा कौन सा फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला अच्छा कहेगा सर कैसे फर्स्ट फॉर्मूले में ऊपर क्या है बेटा मोल और अपॉन में क्या है किलोग्राम अच्छा कहेगा सर आपने ग्राम में भी तो ये क्यों नहीं लिखा ग्राम को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्लियर है यूनिट हमेशा कौन से फॉर्म में से आएगी फर्स्ट फॉर्म में से आएगी कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो बच्चों आप मोल पर ग्राम कभी नहीं करोगे मोल पर किलोग्राम भी करना है क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई क्लियर है मोल पर किलोग्राम और इसके नाम से आता है बेटा मोलर 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 मतलब किसकी बात कर रहा है मोलरिटी की समझ में आ गया यस और नो अब यहाँ पर टाइम पास में लिखनी जरूरत है एन एन का मतलब क्या है डब्ल्यू टू का मतलब क्या है पता है ना एन मतलब मोल डब्ल्यू मतलब वेट वन फॉर सॉल्यूट टू फॉर सॉल्वेंट ये है बेटा अभी बोला कैसे आएगा अभी का ध्यान रखना सिंपल सी बात है बड़ा बच्चा मैथ की कैसे लगा रही है बच्चों को बताया था मोल के मोल के फर्स्ट लेक्चर में डालिए मोल के फर्स्ट लेक्चर में बताया था नंबर ये लीटर एथेनॉल वाला मान लो मिली लीटर पर 22.4 लीटर बेटा ये बच्चे को बोले मान लो गैस का बोले मान लो 22.4 लीटर है तो बच्चा क्या करेगा सर 22.4 लीटर अपॉन क्या हो गया 22.4 यानी क्या गया 1 सब बच्चा कहेगा सर 1 लीटर होता है 1000 ml 1 लीटर होता है ऑप्शन है मैं इसका मतलब सर मैंने यहाँ पर 22.4 लीटर लिखा है इसके लिए मल्टीप्लाई में ऑप्शन है मैं लिख सकता हूँ मैं वैसे तो बराबर ही है मैथमेटिकल इक्वल है लेकिन देखो बेटा सच सर देखना आपका मोल भी आ गई समझ में आ गया इसका मतलब आपके अगर लीटर को एमएल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए मोल में भी क्या होगी ऑप्शन तो सही आएगा वैल्यू वही होती तो रिजल्ट सेम आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था आपको भी बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करना है
ले रहे हैं। यहाँ पर बात आते हैं बेटा आपके ध्यान में, जैसे बच्चे ने पिछड़ दिया, देखो पूरा मोलिटी क्या होती है, सॉल्यूट के मोल अमाउंट सॉल्यूट का भी ये बड़ा समझना है चीज को। आपसे बोला जाए सॉल्यूट के मोल मान लो जो भी है बेटा, इस सॉल्यूट का मोल मान लो 0.5 है, यस और नो, ये 0.5 है, सॉल्वेंट का भी का मान लो 2 किलोग्राम हो गया बेटा, 2 किलोग्राम है। अब बच्चा क्या करेगा, यानी दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.25, यस और नो, मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है, अरे डाटा से सेम रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब बच्चा क्या करेगा, सर ये 2 किलोग्राम था तो किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में लिखूं तो देखो मोल तो वही है 0.5 है, तो पहले 2 किलोग्राम था इसको अगर मैं ग्राम लिखूं अरे बात तो वही है ना, किलोग्राम 1 किलोग्राम में 2000 ग्राम, तो हमें पता 2 किलोग्राम 2000 ग्राम से लिख सकता हूं, लिख सकते हो, लेकिन मुझे पता है ऐसा लिखते ही डाटा आंसर क्या हो गया, अपॉन 1000 यानी 0.00025 हो गया, ये हो गया कुछ नवे नहीं हो गया। इसका मतलब डाटा वही है तो रिजल्ट वही आना चाहिए, इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, आप इधर भी क्या करोगे तो ये शायद थाउजेंड्स मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ गया, यस और नो, एक्चुअल मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा, अगर आपको लीटर को एमएल में लिख के दिया है डाटा, इसका मतलब उसने ऑलरेडी थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके दिया है, बैलेंस करने के लिए आपको भी अपोजिट साइड में बोला, इसलिए ऊपर तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट साइड में थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना अगर लीटर को एमएल या किलोग्राम को ग्राम में लिखे तो। क्लियर है बेटा, देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ रहे हो ना, ये है मॉलिटी दिमाग में सेट होती है, कैसे नीटी लिटिल स्मॉल एम आएगा बेटा, क्लियर है, मॉलिटी में क्या आएगा कैपिटल एम, क्लियर है। मैंने क्या कहा, हर कंसेंट सिस्टम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बाकी कुछ नहीं, ओके। जैसे मॉलिटी में क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन, इसमें क्या कहते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन की मॉलिटी, क्लियर है बेटा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को मोल की टर्म में लेना है, सॉल्यूट के मोल यानी n1 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को किसकी टर्म में, लीटर लीटर किसकी लीटर बेटा, वॉल्यूम की, यस और नो, क्लियर है बेटा। इसका मतलब देखो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो v लीटर सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स लगा के फार्मूला बनाया गया है, v लीटर सॉल्यूशन के ध्यान दो, v लीटर सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल है n1, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, n1 अपॉन v, आप बता और अगर बाय द वे बी को लीटर की बजाय एमएल में दिया जाए तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 1000 अपोजिट साइड में क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, याद है ना, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ एक डाटा दिया जाएगा कुछ भी लैंग्वेज में, आपको तो इसका मतलब समझना है, मैंने क्या कहा था, कैपिटल एम दे दिया, मतलब किसकी बात कर रहा है, मोलरिटी की, ठीक है, और कंसेंट्रेशन टर्म के साथ जो भी डाटा वैल्यू होती है किसकी होती है, सॉल्यूट की, तो मोलरिटी की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट याद करो, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट
प्रॉफिट के अमाउंट, इसका मतलब कि जिसकी वैल्यू है प्रॉफिट के अमाउंट की वैल्यू है बेटा। तो बेटा मोल अपॉन में क्या आएगा, मोलिंग किसे लीटर में या फिर इस नाम से बोल देते हैं इसे मोलर, क्या बोलते हैं बेटा मोलर, इस नाम से मोलर मतलब कौन सा कंसंट्रेशन का है मोलरिटी की बात क्लियर है। देखो अपना डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute in a molecular solution, what is molarity, number of moles of solute in a 1 liter solution, what is molarity, बिल्कुल बेटा मोलरिटी में लेना है सॉल्वेंट, मोलरिटी में लेना है सॉल्यूशन, और मैं फिजिकल बेटा सारे कंसंट्रेशन टर्म का मैं वहां पर एक बात जरूर मैं बोलता हूं, सिर्फ मोलरिटी ऐसा है जिसमें क्या आता है सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूट और सॉल्यूशन आएगा, बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म में आएगा सॉल्यूट और सॉल्यूशन, क्लियर है। ऊपर हमेशा सॉल्यूट की वैल्यू होती है, अपर में क्या आती है सॉल्यूशन की वैल्यू होती है, सारे कंसंट्रेशन टर्म में बस एक्सेप्शन मोलरिटी वाला एक्सेप्शन किसमें आता है सॉल्वेंट, क्लियर है, बाकी सभी में अपॉन में सॉल्यूशन में आएगा। लिखता है ठीक है, एक उसे देखो केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां का नाम आएगा एक्टिव मास कंसंट्रेशन, ध्यान रखना एक्टिव मास कंसंट्रेशन का मीनिंग मोलरिटी से भी लेते हैं, क्लियर है। वैसे तो सारे कंसंट्रेशन टर्म के टाइप है, लेकिन ओनली कंसंट्रेशन बोले उसकी रूप में हिंट नहीं देगा, तो समझ आना मोलरिटी की बात कर रहे हैं बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि ज्यादातर हम कंसंट्रेशन को मोलरिटी के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चा कहेगा सर क्यों बोली से तो आना चाहिए ना, तो ज्यादातर हम सॉल्यूशन को लेते हैं बेटा वॉल्यूम की टर्म में, क्लियर है, सॉल्यूशन को क्या देखते हैं वॉल्यूम की टर्म में और सॉल्यूट को देखते हैं मोल की टर्म में, molarity is also called as concentration or active mass, and in chemical equilibrium ionic equilibrium chapter padhenge to bahut kaam aayega, or as concentration or active mass, molarity ko kya bola jata hai concentration ya active mass bhi bola jata hai, aap samajh mein aayega, to jahan par jab active mass aur concentration ki baat kar rahe hain samjhna kiski baat kar rahe hain मतलब क्या होता है उसके अकॉर्डिंग से तीन कंसंट्रेशन टर्म बताए,
कॉन्ट्रैक्शन मॉडलिटी मॉडलिटी क्लियर है, तो फिजिकल में चैप्टर में यूज होगा ही होगा, बाकी के आगे के कई सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें बार-बार ये काम आएगा, तो मैं आएंगे बच्चे मीनिंग क्या है इसका, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी बताऊंगा और इन कंसंट्रेशन टर्म्स में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि इन चारों कंसंट्रेशन टर्म्स का ओवर कहीं पर भी आए वापस करके पैकेज में ना करें, क्लियर है? उसके बाद वापस मॉडल कांसेप्ट पर आकर स्टार्ट करने में टाइम पे मेट टू रिएक्शन, ठीक है? ये मैंने मॉडल से थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया, बच्चों को नॉर्मली खाली क्वेश्चन में पूछता सर ये क्या होता है, तो टीचर बताते हैं ये ऐसे होता है, बहुत ही बताते हैं, फिर भी मैं हिंट दे रहा हूँ ताकि बार बार कहीं पर भी ना आए, आइडिया होना चाहिए बच्चे के लिए, स्मार्ट नाम में केमिकल एक चल रहा है सर फॉर्मूला रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये फॉर्म तो बताएंगे ही नहीं, टीचर को कोई मतलब नहीं है पूछे समझ में आता नहीं, लेकिन फिर भी बीच में इसलिए बता रहा हूँ बेटा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो, आगे भी जो केमिकल एक आएंगे तो उसमें बार बार ही आएंगे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करे तो वापस पुराना फॉर्मूला क्या नहीं आ रहा, मिलीलीटर को बेटा मैंने क्या कहा, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेगा तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मैंने कहा बेटा, ठीक है? अगर वही बात है मान लो आपको सपोज का मोल दीजिए 10 मोल, आपको 10 मोल दे दिया सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, तो 10 बाय 2 लीटर कितना आना चाहिए 5 देर बेटा, अब बच्चा कहेगा सर मोल भैया, बच्चा कहेगा सर मैं इसको 2 लीटर को 1000 एमएल कर दूंगा, मैथमेटिकली तुमने कन्वर्ट तो किया है, ज्यादा चेंज थोड़ी किया, मैथमेटिकली तुमने किया तो क्या आ जाएगा 5 बाय 2 अपॉन 1000 और आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 बाय 2 आधे से, तो 5 अपॉन 1000 आएगा कितना आएगा 0.005, रिजल्ट चेंज हो रहा है समझ जाना इस बात को बेटा, ठीक है? अगर किलोग्राम आप क्या करोगे अपोजिट साइड में ध्यान रखें कि अगर अपोजिट साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करोगे, क्योंकि उसने अगर लीटर को एमएल में डाटा दिया है इसका मतलब उसने ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई करके दे दिया है बेटा, समझ में आ गया? उसको बैलेंस करने के लिए आपको भी क्या करना है, अपोजिट साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस नहीं होता तो डाटा वही है तो रिजल्ट वही आना चाहिए था, समझ में आ गया? लेकिन रिजल्ट चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, उसने किलोग्राम को ग्राम में लिख के दिया है या लीटर को एमएल में लिख के दिया है, तो मतलब उसने तो मल्टीप्लाई करके दे दिया, हमें पता है मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में इक्वल डिजिट सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यस और नो? तो हमें भी मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो लीटर में क्यों लेते हैं, आगे क्या लिखा है लीटर में क्यों लेते हैं और इसी में क्यों नहीं, लीटर में क्यों लेते हो, तो देखो ठीक है वही बात है, इनको फिक्स किया गया, जैसे इसमें अगर आप किलोग्राम में यूज कर रहे हो तो उसको बोल दोगे मॉडलिटी, ये तो सब रूल्स बना दिए गए, अरे नेचर में एक्चुअल में लिविंग स्पीशीज थोड़ी है कि अपन इसमें स्टडी करें ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो रूल्स बना दिए गए, आपको इसको इसके टर्म में लोगे इसको इसके टर्म में लोगे तो इसको बोल देंगे मॉडलिटी, इसको बोल देंगे मॉडलिटी, ये सिर्फ इसलिए है कि कोई बाउंडेंस नहीं है, आप हमेशा लीटर में ही लो या फिर किलोग्राम में लो, लेकिन अगर आप इसको किलोग्राम में लोगे तो इसको ये मॉडलिटी बोलेंगे, सॉल्यूशन को लीटर के टर्म में लोगे तो इसे मॉडलिटी बोलेंगे, समझ में आ गई? ये तो अलग अलग टर्म्स के अलग अलग नाम दिए, बात समझ में आ गई क्लियर बेटा? ठीक है चलो बेटा, तो इनको थोड़ा सा रिवाइज करना कंसंट्रेशन टर्म्स को, नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मलिटी और पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपन स्टाइकोमेट्री पर आ जाएंगे बेटा, ठीक है?